हेलो फ्रेंड, मैं हूँ कविता और स्वागत है आपके कविता किचन ब्लॉग में। तो चलिए आज हम बहुत ही आसान तरीकों से बेसन की भुजी सब्जी बना के दिखाएंगे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ बताइएगा कि कौन कौन ये सब्जी खाए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बेसन लिए हैं, थोड़ी सी नम उसमें काला जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी नमक डाले हैं, और इसको एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट ना पतला ना गाढ़ा होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरह से आप पेस्ट बना के तैयार कर लीजिएगा। इधर हमने एक पैन गर्म होने के लिए गैस पे रख दिए हैं। जैसे पैन गर्म हो जाए उसमें थोड़ी सी रिफाइन ऑयल डाल दीजिए, डाल दिए हमने, और पेस्ट को डालेंगे इस तरह से, हाथों से उसको फैलाएंगे। जैसे पेस्ट फैल जाए थोड़ी सी ढक दीजिए उसको, उसको ढकने के बाद पलट दीजिए। पलटने के बाद इस टाइप से भुजी बना के तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर लिए है, उसमें थोड़ी सी ऑयल, करी पत्ता डालेंगे। इधर हमने लहसुन प्याज मिर्ची काट के रख दिए हैं, और इसमें हम सरसों जीरा डालेंगे। इसको चटकने देंगे, चटकने के बाद इसमें हमने मिर्ची लहसुन और कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूजेंगे। दोस्तों ये सब्ज़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में बहुत सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर, और थोड़ी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें कोई मसाला नहीं डालना है। इसको थोड़ी सी चलाएंगे, उसके बाद ये देख सकते हैं बेसन का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। पानी मेरा खोल चुका है तो उस पर भुजी डालेंगे, और 2-3 मिनट के लिए गैस पे ढक के पकाएंगे। देख सकते हैं 2-3 मिनट मेरा हो चुका है, तो देखिए लाजवाब कितना अच्छा, कितना बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू।